एक काली अंधेरी रात में सुनसान रास्ते पर आप चलते जा रहे हो, ना आपके आगे है कोई ना आपके पीछे है कोई, पर फिर अचानक से आपको आपके पीछे से किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है, और फिर जैसे ही आप पीछे मुड़ते हो आपके सामने आ जाता है एक ऐसा बिना आंख नाक मुंह और एक हाथ वाला हरा भरा इंसान। क्या होगा आपके साथ? Well, ये कहानी अमेरिका की दादी अपने पोतों को सुनाती है। लेकिन what if मैं अगर कहूं कि ये कहानी असल में सच है? एक ऐसा इंसान सच में हुआ करता था जो ऐसे ही रास्तों पर लोगों को डराया करता था। लेकिन सिर्फ यही नहीं, what if मैं कहूं कि आपके घर में एक ऐसी मासूम से दिखने वाली गुड़िया हो जिसके बाल आप कितने भी बार काट लो फिर से उग जाएंगे? Now, आप कहोगे ये तो एनाबेल गुड़िया की कहानी है, लेकिन nope, ये गुड़िया आज की तारीख में भी जापान में है और उसके बाल पिछले 80 सालों से बढ़ते ही जा रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, हेलो, मैं हूं गौरव और आज हम उन सभी कहानियों पर नजर डालने वाले हैं जो आपको लगता था कि सिर्फ कहानियां हैं बट उनके पीछे असलियत में सच्चाई छुपी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले उस कहानी से जो अमेरिकन दादियां अपने पोतों को रात में सोते वक्त सुनाती, एक बिना मुंह वाले चार्ली की कहानी जिसके पास ना आंखें थी ना नाक ना मुंह और ना ही एक हाथ। ये इंसान पेनिसिल्वेनिया की सड़कों पर देर अंधेरी रात में टहला करता था। जो भी इसे रात में देख लेता उसे यही लगता कि ये किसी ऐसे इंसान का भूत है जिसे जलाकर मार डाला गया, क्योंकि इसकी पूरी शक्ल मानो किसी जले हुए पिघले हुए मोम की तरह थी। तो वहीं पर किसी को लगता इसकी मौत डुकेन पावर प्लांट में हुई थी क्योंकि इसकी चमड़ी हरे रंग की थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ये बिना मुंह वाला चार्ली कोई भूत नहीं बल्कि एक असल इंसान रे रॉबिन्सन था। रे रॉबिन्सन जब 8 साल का था तब उसने पेड़ पर फंसी हुई एक चिड़िया को देखा, और एक नादान 8 साल के बच्चे के दिमाग में और क्या आता, जाहिर सी बात है उस चिड़िया को बचाओ, और उसी चिड़िया की मदद करने के लिए वो पेड़ पर तो चढ़ गया, पर उसने ये नहीं देखा कि पेड़ के पास एक खुला हुआ बिजली का तार लटक रहा था, और जैसे ही अनजाने में उसने उस तार को छुआ उसे इतना जोर का करंट लगा कि उस करंट से उसका पूरा चेहरा पिघल गया, और जो हाथ से उसने वायर को छुआ था वो हाथ तो पूरा ही निकालना पड़ गया। अब एक 8 साल के बच्चे के लिए अपना हाथ और चेहरा खो देना ही कम था कि उसके माता पिता ने उसे अपने घर के कमरे में ही हमेशा के लिए बंद कर दिया। वो चीखता चिल्लाता पर कोई भी उसे कभी घर से बाहर निकलने नहीं देता, और फिर वक्त बीतता गया, साल गुजरते गए और रे बड़ा हुआ। 25 साल की उम्र में उसे उस कमरे से बाहर निकलने का मौका मिला। अब कमरे से आजाद तो हो गया लेकिन एक नई दुनिया उसके आगे खड़ी थी जो उसने इतने सालों के बाद देखी थी, और जो लोगों के रिएक्शंस उसे मिलने वाले थे उसका उसे खुद अंदाजा नहीं था। उसने बहुत ही जल्द ये रियलाइज कर लिया कि ऐसी डरावनी शक्ल लेकर वो दिन के उजाले में तो नहीं घूम सकता, एंड ऑन द अदर हैंड उसके काफी सारे जख्मे अभी तक भरे नहीं थे और इसीलिए उसमें इन्फेक्शन होकर वो हरे हो चुके थे। अब कोई उसे देखकर डर ना जाए और इसीलिए अपने अड़ोस पड़ोस को देखने के लिए समझने के लिए वो रात को निकला करता था। अब इनका यही डरावना रूप और दर्द भरी कहानी ही वजह थी कि रे रॉबिन्सन को नो फेस चार्ली अर्बन लेजेंड बनने में वक्त नहीं लगा। वो कहानी जो इतनी मशहूर हुई कि आज लोग ये भी भूल चुके हैं कि रे असल में एक इंसान था जिसने अपना पूरा बचपन और अपनी जिंदगी एक कमरे में इसीलिए बिताई जस्ट बिकॉज वो एक अटकी हुई चिड़िया की जान बचाना चाहता था। Well, we can say life is not always fair. अब चार्ली की ये स्टोरी रियल होते हुए भी लोगों ने इसे काफी फिक्शनल और काफी डरावनी बताई, जिसको बनाने के पीछे की वजह थी एंटरटेनमेंट या स्केयरिंग पीपल फॉर सेल्फिश रीजंस या फिर अर्बन लेजेंड बनाना फॉर कैंप फायर स्टोरीज। Well, अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो इन मनगढ़ंत कहानियों को इतना बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किया जाता है जिससे वो फिक्शनल कम और रियल ज्यादा लगती है, जिसके पीछे की वजह है स्टोरी में मौजूद कैरेक्टर्स एंड अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट जिसमें हम कब खो जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है, और नतीजन हमारी लर्निंग भी हो जाती है काफी बार। अगर आपको भी स्टोरीज में खोने में बहुत मजा आता है तो आई विल रेकमेंड यू एन ऑडियो बुक हॉरर फाइल्स बाय पवन, जो आप ऑडियो फॉर्मेट में सुन सकते हो कुकु एफएम ऐप पर। यहां पर आपको सिर्फ स्टोरीज ही नहीं बल्कि आपको सेल्फ एम्पावरिंग बुक्स मिलेंगे फ्रॉम द जॉनर्स लाइक फाइनेंस, हिस्ट्री, मोटिवेशन, सेल्फ इंप्रूवमेंट, साइंस, बिजनेस, करियर एटसेट्रा, जो आपकी लर्निंग को एनहांस करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सारे बुक्स हिंदी जैसे रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। कुकु एफएम ऐप पर आपको 4000 प्लस आवर्स का नॉन फिक्शन कंटेंट मिल जाएगा, और ये सब आप ले सकते हो सिर्फ 399 रुपीस के ईयरली सब्सक्रिप्शन पर। बट इट डजंट स्टॉप ओवर देयर। अगर आप मेरा कूपन कोड सुनो50 यूज करोगे या सिर्फ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको इस ऐप का ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपीस में मिलेगा। सो इंतजार कैसा है, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ। और अब चलो चलते हमारी अगली कहानी की ओर जो है द डिज्नीलैंड। एनीवे फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे अर्बन लेजेंड की ओर जो है द डिज्नीलैंड अर्बन लेजेंड। डिज्नीलैंड को द हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन दिस अर्थ माना जाता है। अब वहां पर जाकर आपको खुशी मिले या ना मिले, इंसानों की खोपड़ियां जरूर मिलेंगी।
डिज्नीलैंड में पायरेट्स ऑफ कैरेबियन राइड में इंसानों की असली खोपड़ियां लगाई गई है। बात तो ये है ना, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एक मूवी सीरीज बनने से पहले एक डिज्नीलैंड राइड था, जिसे वॉल्ट डिज्नी ने खुद टेस्ट किया था और वो उनकी आखिरी राइड थी। वो राइड पूरी तरीके से बनके तैयार हो उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि इस राइड में डर पैदा करने के लिए डिज्नी ने असली के कंकाल को लगाए। और ऐसा मेरा नहीं बल्कि वहीं के कास्ट मेंबर्स का कहना है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि इंसानों की ही असली खोपड़ियां क्यों, और इतनी सारी इंसानी खोपड़ियां इन्हें दी किसने? ये कहानी सुनने में जितनी डरावनी लग रही है ना, वो असल में उतनी है नहीं। 1960s में डिज्नी इमेजिनियर्स, जो कि इमेजिनेशन और इंजीनियर्स को मिलके एक वर्ड बनाया गया है, मतलब कि वो इंजीनियर्स जो इमेजिनेटिव और क्रिएटिव राइड्स बनाते हैं, इन्हीं इमेजिनियर्स ने एक बात नोटिस की थी कि राइड के लिए वो लोग जो खोपड़ियां बना रहे हैं ना, वो खोपड़ियां कम और खिलौने ज्यादा लग रहे हैं। और इसीलिए इस प्रॉब्लम का हल उन्होंने सोचा कि असली इंसानों की खोपड़ियां लगा दिया जाए। अब ऑब्वियसली किसी को उठाकर मार नहीं दिया जा सकता जस्ट बिकॉज उसकी खोपड़ी हमें चाहिए, और इसीलिए उन्होंने UCLA यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस के मेडिकल डिपार्टमेंट से बात की और वहां से उन लोगों के कंकाल को इंपोर्ट किया जिन्होंने मेडिसिन को अपनी बॉडी डोनेट की। बट ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ इमेजिनियर्स की एबिलिटीज भी इंप्रूव होने लगी और टेक्नोलॉजी भी, और कहा जाता है कि धीरे धीरे करके सारे स्कल्स रिप्लेस कर दिए जा चुके हैं, मगर आज भी वहां पर एक रियल स्कल मौजूद है। अब जहाँ की इसकी रियल स्टोरी में कुछ पार्ट क्रीपी है, वहीं पर लोगों ने इसे थोड़ा और क्रीपी बनाने के लिए इसमें मसाले ऐड किए। काफी सारे लोगों का कहना है कि वो स्कल्स इमेजिनियर्स के थे, कुछ लोगों का कहना है कि वो क्रिमिनल्स के थे, और कुछ लोगों का तो ये तक कहना था कि वो विजिटर्स के थे। अब आपने ऐसी कहानियां काफी सारे टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में पहले भी सुनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल भांगड़ फोर्ट, जिसके पीछे एक मस्त सी बैक स्टोरी ऐड कर दी जाती है उसे इंटरेस्टिंग और स्पाइसी बनाने के लिए। इस एडिशन को विज्ञान की भाषा में कहते हैं कंट्रोल्ड स्केयर, यानी कि विजिटर्स देख रहे होते हैं कि यार ये जगह के पीछे की जो बैक स्टोरी है तो काफी डरावनी है, लेकिन असल में कोई मर नहीं रहा उस बैक स्टोरी के वजह से। इसका मतलब वो जगह तो सेफ है लेकिन उसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। एंड दिस वेरी फैक्ट आपको सेफ तो फील कराता है, बट साथ ही आपको वो जो फियर के साथ एक्साइटमेंट और थ्रिल मिलता है वो भी देता है, और इससे ऑब्वियसली उन टूरिस्ट प्लेसेस में विजिटर्स की संख्या बढ़ जाती है। इसके साथ ही ऐसे जगहों पर घूमने पर विजिटर्स को एक अलग सा सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, और वो ये है कि चार आदमी लोग को बता के वैलिडेशन गेन कर सकते हैं। आई मीन इट्स सो कूल कि आप ऐसी जगह पर घूम के आए हो जहां की बैक स्टोरी ऐसी हॉन्टिंग है, और इसी चीज का फायदा तो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस उठाते हैं। वेल एनीवे फ्रेंड्स, अब हम फाइनली बढ़ते हैं हमारे आखिरी अर्बन लेजेंड की ओर, जो है द ओकीकू डॉल के बारे में। ये कहानी हॉलीवुड की काफी सारी मूवीज से मिलती जुलती है, मूवीज लाइक एनाबेल, चकी, द बॉय और भी बहुत सारी। इस कहानी में है एक प्यारी सी गुड़िया ओकीकू, एक ऐसी डॉल जिसके बाल हर साल लिटरली किसी इंसान की तरह काटने के बाद भी बढ़ते रहते हैं। झूठी लग रही है ये कहानी? आइए जान लेते हैं इसके पीछे की जो डरावनी बैक स्टोरी है वो क्या है। सो कहानी शुरू होती है 1918 में, जब जापान के एक 17 साल की आइकिची सुजुकी अपनी 3 साल की छोटी बहन किकोकू के लिए एक गुड़िया लाती है। ये डॉल किकोको को इतनी पसंद आती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो उसे अपने से अलग कभी नहीं करती। पर फिर एक दिन अचानक से किकोकू को बहुत तेज बुखार आता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि इसे इन्फ्लुएंजा फीवर हो गया है, एक ऐसी बीमारी जिसका क्योर उस वक्त कहीं पर भी मौजूद नहीं था। मतलब बात साफ थी, बीमारी बहुत गंभीर थी। पर ऐसे वक्त में भी किकोकू अपने डॉल को अपने से अलग करने के लिए राजी नहीं होती। वो अपनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी उस डॉल के साथ खेले जा रही थी, और अचानक एक दिन वो उस डॉल का हाथ छोड़ देती है और उसे हमेशा हमेशा के लिए अकेला कर देती है। किकोको के मौत के बाद उसका परिवार उसकी याद में ओकीकू डॉल को संभाल के रखता है। कुछ वक्त तक तो किसी का भी उस डॉल पे कोई ध्यान नहीं था, पर जब उनका ध्यान उस पर पड़ा तब सभी ने ये नोटिस किया कि उस गुड़िया के बाल उसके शोल्डर से नी तक बढ़ चुके थे, और सब डर चुके थे। और इसीलिए वो लोग उस डॉल को मनेंजी टेम्पल में छोड़ आए, जहाँ वहाँ के पुजारी आज भी उसकी देखभाल कर रहे हैं, उसके बाल हर साल काटते हैं और वो हर साल फिर से बढ़ जाते हैं। अब देखो, वैसे कहानी तो सच है लेकिन एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बाल बढ़ना इज जस्ट अनबिलीवेबल। सो उसके बाल कैसे बढ़ रहे हैं उसके पीछे कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले डॉल्स को बनाने वाले डॉल्स के हेयर को फोल्ड करके डबल स्टैंडर्ड सिलते थे, और फिर जैसे ही सिलाई पुरानी होती वो खुद ब खुद टूट जाती थी और वो बाल खुल के लंबे हो जाते थे। बट ओकीकू के बाल पिछले 80 सालों से बढ़ते जा रहे हैं और काटने के बावजूद भी वो बढ़ते जा रहे हैं, और जिस पॉसिबिलिटी की मैंने बात की उसमें ऑब्वियसली एक ही बार बाल लंबे हो सकते हैं।
सो इसके पीछे आपको क्या पॉसिबिलिटी लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, बिकॉज एक बात तो प्रिटी मच तय है कि भाई भूत वूत भूतिया डॉल ऐसा कुछ नहीं होता. सो देयर हैज टू बी सम रीजन व्हिच वी आर मिसिंग. एंड अगर मेरी बात मानो तो यू गाइस नो कि मेरी थिंकिंग कैसे चलती है कि ह्यूमंस को स्टोरीज बनाना बहुत मजा आता है बिकॉज इट कीप्स थिंग्स एक्साइटिंग. और स्टोरीज के जरिए आप बिलीव्स को रीइंफोर्स कर सकते हो, यानी कि उस टेंपल के प्रीस्ट अगर चाहते हैं कि भगवान में उनका विश्वास या उनके फॉलोअर्स का विश्वास स्ट्रांग हो तो उन्हें ऐसी कहानियां सुनानी पड़ती है. सो इट इज सर्विंग किसी और का एजेंडा नहीं अपार्ट फ्रॉम द प्रीस्ट का एजेंडा या फिर किसी म्यूजियम का एजेंडा अगर म्यूजियम को ये स्टोरी बता के विजिटर्स को गैदर करना हो. बट एनीवे वी आर ओपन टू ऑल दी पॉसिबिलिटीज और इसीलिए आपको अगर कोई और रीजन लगना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना. इस वीडियो से अगर कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना. गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सकें. और आप फ्रेंड्स जाने से पहले कुकू एफएम ऐप को इंस्टॉल करना मत भूलना. स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद इन योरसेल्फ टुडे. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. See you next time friends. As always stay curious, keep learning and keep growing. Jai Hind.